आईपीएल 2018 के मैच नंबर 29 में बेंगलुरु के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। मैच गंवाने के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अपने टीम से खासे नाखुश दिखे। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कोहली ने कहा, जब भी हम बल्लेबाजी करते हैं पिच हमारे लिए हर बार नया सरप्राइज लेकर आ रही है। मेरे हिसाब से 175 का स्कोर काफी अच्छा था। यदि हम ऐसे ही फील्डिंग करते रहे तो हमें जीतने का कोई हक नहीं है। हमें खुद के प्रति कठोर होना पड़ेगा और मैदान पर और गेंद के साथ साहसी भी होना पड़ेगा। हमें आगे आने वाली चीजों को सुधारना होगा। जिस तरह से हमने मैदान पर फील्डिंग की, हम जीत के हकदार नहीं थे। बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने केकेआर के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे कार्तिक की टीम ने 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। क्रिस लिन ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली, जिस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।